कोरोना महामारी ने जहां कई लोगों से रोजगार छीन लिया, वहीं कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिखाई राह पर चलते हुए आपदा को अवसर बना लिया। बंगाला निवासी राकेश कुमार इसी की एक मिसाल है। 8 वर्षों तक नोएडा में लिब्रा व जिंदल जैसी बड़ी कंपनियों में काम कर चुके राकेश के पास कोविड महामारी ने जब रोजी रोटी का संकट खड़ा कर दिया तो उन्होंने सरकार की मदद लेकर आपदा को अवसर बना लिया। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत राकेश कुमार ने अपना उद्योग स्थापित करने के लिए आवेदन किया। सरकार से आर्थिक मदद मिलने के बाद उन्होंने स्वयं का गद्दा उद्योग स्थापित किया, जो उनकी आय का स्रोत बन गया। वे आज दूसरों को भी अपने उद्योग के माध्यम से रोजगार प्रदान कर रहे हैं। राकेश कुमार बताते हैं कि गद्दे बनाने की इकाई का नाम उन्होंने फ्रेश ड्रीम ब्रांड रखा है। बंगाला में ही एक यूनिट लगाकर वे हर प्रकार के गद्दे बनाते हैं। राकेश के अनुसार उनके तैयार किए गए गद्दे बाजार के रेट से कम मूल्य पर उपलब्ध हैं। सर, मैंने अभी एक उद्योग स्टार्ट किया है जिसमें गद्दे का काम स्टार्ट किया। सर पहले मैं कंपनी में काम करता था और मेरी क्वालिफिकेशन सर एमकॉम है, और सर लॉकडाउन के कारण कई कंपनी सर बंद होगी, इसलिए सर मैंने कुछ काम करने की सोची। सर किसी ने मेरे को सजेस्ट किया कि आप इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से संपर्क करो अगर कोई कोई अपना काम करना है तो, इसलिए सर मैंने इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से संपर्क किया। उन्होंने मेरे को सही राह बताई और उन्होंने मेरे को मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत एक स्कीम बताई जिसमें पुरुष के लिए 25% सब्सिडी और स्त्री के लिए 30% सब्सिडी का प्रावधान है। ठीक है, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट वालों ने सर काफ़ी मेरी सहायता की है इस काम में। और सर मेरा ये काम जो है वो बंगाणा और डुमकर के बीच में सर पड़ता है, और यहाँ पे मेन लोकेशन नियर बाई सर गवर्नमेंट ITI है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2019 में हिमाचल प्रदेश के जो पढ़ा लिखा युवा है उसको स्वरोजगार के लिए बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना जो है वो आरम्भ की गई वर्तमान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के नाम से। इस योजना के अंतर्गत जो है 1 करोड़ रुपए तक की परियोजना है, चाहे वो कोई औद्योगिक इकाई हो या कोई सर्विस एंटरप्राइज हो, कोई सेवा इकाई हो, वो स्थापित करने के लिए 1 करोड़ रुपए तक का प्रोजेक्ट जो है वो इस मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में पात्र है। और इसमें पुरुषों को जो है वो 25% की दर से सब्सिडी दी जाती है, महिलाओं को 30% की दर से, और विधवा महिलाओं के लिए 35% की दर से सब्सिडी का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त 10 लाख रुपए तक के जो लोन है उनमें जो कोई भी गारंटी जो है वो पात्र व्यक्तियों को देनी नहीं होती है,